हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। हमारे देश में कोरोना वायरस से जंग अब भी जारी है, लेकिन अब इस महामारी के खिलाफ हमारे देश में 16 जनवरी 2021 से वैक्सीनेशन की भी शुरुआत हो गई। वैक्सीनेशन में दो वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक जो भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई कोवैक्सीन है और दूसरी सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई कोविशील्ड। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक कंपनी के बारे में। भारत बायोटेक का प्लांट एशिया पैसिफिक के सबसे बड़े फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में से एक है। साल 1996 में भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्णा एला ने भारत बायोटेक की नींव रखी थी। पढ़ाई के बाद जब नौकरी करने डॉक्टर कृष्णा एला गए, तब से उनके मन में ये ख्याल था कि वे देश की कंपनी बनाएंगे। वे 1996 में अमेरिका से ये इरादा लेकर लौटे थे कि भारत में इनोवेटिव वैक्सीन बनाएंगे। वैक्सीन बनाना भारत बायोटेक की खासियत है। कंपनी अब तक 160 से ज्यादा वैक्सीन पेटेंट करा चुकी है। डॉक्टर कृष्णा एला विस्कॉन्सिन मेडिकल यूनिवर्सिटी और मनोवा स्थित हवाई यूनिवर्सिटी में शिक्षा लेने के साथ ही दक्षिण कैलिफोर्निया की मेडिकल यूनिवर्सिटी में काम भी कर चुके हैं। वैक्सीन से पहले उनकी कंपनी भारत बायोटेक चिकनगुनिया, जीका, रोटावायरस, रेबीज, जापानी इंसेफेलाइटिस और H1N1 के खिलाफ भी वैक्सीन बना चुकी है। भारत बायोटेक की टीम ने ही दुनिया में पहली बार टाइफाइड के लिए टिटनस टॉक्साइड युग्म की वैक्सीन डेवलप की थी। एक तमिल किसान परिवार में जन्मे एला को अब तक 100 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। भारत बायोटेक के इन कामों का ही विश्वास है कि साल 2014 में कंपनी को फिक्की अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक की वैक्सीन आज लाखों भारतीय लोगों को लग रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत बायोटेक की बनाई कोवैक्सीन का ही टीका लगवाया था।